यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ, नाम क्या है तुम्हारा? अंकित, पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार, कैसे हो? अच्छे सर, अच्छे। आप कितने समय से, कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर, मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर हट रहे हैं सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ यारों का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है जी सर, और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150-150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ रुपए वसूल के रख ली। और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। आपने आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20 हजार रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरी 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरी जितनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए 130 में 110 क्वेश्चन करके आए फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जाते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। अच्छा, अच्छी तरह सुनो, देश में कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। 60% जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है, दलित वर्ग 15% है, आदिवासी वर्ग 8% है। कितना हुआ सर? पूरा हो गया 73% सर। 73% दलित आदिवासी पिछड़े, ठीक है। अब मजे की बात सुनो पाल जी, सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। जी सर, ये सच्चाई है। मैं